और करोना काल मैंने ये बिज़नेस किया था मैंने मेरे बेटे ने खुद लग के एज ए मजदूर कस्टमर हमने काम किया था और जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग बाग ये करने लगे तो मास्टर जी गए स्कूल अच्छा चल रहा है और ये गोबर के काम में आगे फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं थोड़ी आज मैं बुलंदियों पे हूँ तो मेरा टर्न ओवर भगवान कृपा से साठ से सत्तर लाख रुपये एक साल का पहुँच गया है जय जवान जय किसान दोस्तों संधु फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधु आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम आए हैं रेवाड़ी में मास्टर जी के वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर जो पिछले सत्रह महीने से इस यूनिट को चला रहे हैं इन्होंने अपना ये यूनिट चालीस बेड से शुरू किया था और आज इनके साढ़े बेड हैं ये इसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं तथा बाकी लोगों को भी इन्होंने यूनिट सेटल कराई हैं तो आइए जानते हैं इनके इस सफल वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आप यहाँ आए इतने दूर से आ, मैं डॉक्टर साहब का तह दिल से स्वागत करता हूँ मेरा नाम कुलजीत यादव आप फरिया विलेज भठेड़ा नियर रेलवे स्टेशन नांगनमंदी के पास मेरा स्कूल है यदुवंशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी हरियाणा और वहीं पर भी मेरी पाँच एकड़ में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है मास्टर जी आप पेशे से अध्यापक हैं आप इस वर्मी कंपोस्ट के व्यवसाय में कैसे आए क्योंकि मेरे फादर करिपको में मैनेजर थे मार्केटिंग मैनेजर और वो यूरिया भी बेचते थे डी डीएपी भी और वर्मी कंपोस्ट सिटी कंपोस्ट होता है क्रिपको का वो बेचते थे वो किसानों को सिटी कंपोस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देते ना कि यूरिया डी पर तो मैंने अपने फादर से प्रेरणा ले मैंने वर्मी कम्पोस्ट पर माया आपका जो ये यूनिट है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? मेरा जो यूनिट है ये पाँच एकड़ के अंदर है 850 बेड हैं और मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ और वर्मी वॉश बनाता हूँ कीट रोधक ये प्राकृतिक ये तीन प्रोडक्ट में बनाता हूँ प्लस में मैं अब काम कर रहा हूँ ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर आज आपके पास साढ़े आठ सौ बैड है हाँ जी जब आपने शुरू किया था कितना समय हो गया और कितने बेड से आपने अपना ये यूनिट शुरू की थी मैंने छः छः दो हजार बीस से अपने स्टार्टिंग किया था चालीस बेड से और आज सत्रह महीने के बाद मेरे पास आठ सौ पचास हैं कितनी लागत से शुरू करी थी मैंने स्टार्टिंग साढ़े तीन लाख रुपए से स्टार्टिंग की थी और आज मेरी इनकम इतनी है कि मेरा अच्छा घर का काम चलता है बढ़िया मैंने ई टी का गाड़ी खरीदी है परचेस ट्रैक्टर ट्रॉली और ये सारा फार्म यहीं से डेवलपमेंट किया यहीं से कमा रहा हूँ और जो चालीस बैड से इनकम शुरू हुई थी मेरी साढ़े आठ सौ पहुँचाऊँ फार्म एकत्रित कर दिया यहीं से कमा के यहीं लगाए कुछ लोगों को जो नए जुड़े हैं नहीं। जो नए देखने वाले हैं, या किसान हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में एक्चुअल नहीं पता कि क्या चीज़ है थोड़ा सा इस बारे में बताइए वर्मी कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट किसी चीज़ को गलाना और गला के सड़ा के कंपोस्ट बनाना तो डी कम्पोज जैसे बनाया जा सकता है वैसे भी सबसे उत्तम है कि वर्मी वर्म को वर्म से बोलते हैं और कैशवा भी बोलते हैं इसके द्वारा जो बनाया जाता है खाद वो सबसे उत्तम और बढ़िया क्वालिटी का होता है जैसे हमारा गोबर है उसको हम एक किलो डालें और इसको केवल सौ ग्राम डालें दस गुना यानी इफेक्ट ज़्यादा काम करता है ये और इसके अंदर हम माइक्रो न्यूट्रंस सरसों की खली और काफी न्यूट्रंस इसके अंदर डालते हैं डिकम्पोजर भी होता है हम हमारा मेन प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट के साथ है वर्मीवॉश कैचवा उसी में जन्म लेता है उसी में मरता है और वो उसी में डिकम्पोज होता है डिकम्पोज होकर वो उसका जो अर्क निकलता है उसको वर्मीवॉश बोलते हैं वो वर्मीवश क्या होता है कि फसलों की वृद्धि के लिए अगर पानी में हम उसको देंगे तो वो क्या करेगा पचराव क्रिया ज्यादा करेगा फुटा ज्यादा होगा जिससे पैदावार ज्यादा होती है दूसरा किसी भी फल वाले, फल वाले पौधे हैं या सब्जी है या फसल है जिसपे फूल आते हो तो उस पर स्प्रे करेंगे हम यानी पंद्रह लीटर की टंकी में तीन ग्राम डाल के स्प्रे करते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो जो विषैले वो मर जाते हैं और फूल झड़ते नहीं है झड़ जड़ने के कारण क्या होता है कि फसल का नुकसान होता है और ये उसको रोकता है जैसे हम फेसियल कराते हैं मल्चिंग कराते हैं तो ये उसका मल्चिंग है साढ़े आठ सौ यूनिट है आज बैड है पास में तो इतना बड़ा आपका सत्रह महीने में आपका पहुंच गया काम आप हमारे फार्मर्स के लिए या नवयुवाओं के लिए क्या कर रहे हैं क्या योगदान है आपका मैं अपने जो मेरा मेन वो है टारगेट क्या है कि मैं पूरे ही दिल से नंबर एक तो गाय का शुद्ध गोबर यूज़ करता हूँ मेरा मोनो यह है कि भाई कम से कम हम गाय की डायरेक्ट वो ना करके सेवा इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट कैसे वैसे तो जैसे हम प्योर गाय का गोबर मंगाते हैं और शुद्ध होता है और नहीं भैंस का भी ले सकते हैं डेयरी का भी ले सकते हैं वो हमें सस्ता पड़ेगा लेकिन मैं गाँव की गायों की भलाई के लिए इस गौ माता की रक्षा के लिए केवल गाय का गोबर यूज़ करता हूँ और पर डे मेरे यहाँ मेरे ट्रैक्टर से दो ट्रॉली रोज़ गाय गो, का गोबर आता है वो इतना लगता है इसके साथ ही जो है मैं अपने फार्मर्स को जो मेरे यहाँ पहले तो मेरा माल जा रहा था सारा बाहर सारा ट्रांसपोर्ट से जा रहा था आजकल मेरे यहाँ पे जो मेरे पड़ोसी हैं जो लेके गए हैं उन्होंने एक दूसरे को चैन बनाया है कि भाई मास्टर का खाद बहुत अच्छा है हम क्वालिटी पर ध्यान दे, दे रहे हैं क्वान्टिटी पर नहीं दे रहे और इतना प्रोडक्ट करते हैं कि मेरा माल भगवान के पास आप देख ही रहे हैं बस्ता नहीं है है नहीं मेरे एडवांस लोग आप बुकिंग कराते हैं तब उनका नंबर आता है कहाँ कहाँ मार्केट हो रही है आपके? मेरी मार्केटिंग पूरे इंडिया में सप्लाई हो रहा है पूरा भारत में किसी भी कोने में जहाँ मंगाओगे वहाँ हम भेजते हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा मतलब जो नवयुवा मेरा सवाल अभी हाँ? भी वहीं खड़ा है हाँ जी कि आप किसानों के और नवयुवाओं को इस कार्य को सिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं हाँ सबसे बड़ी बात है बहुत से पूरे इंडिया के अंदर स्कूल खुले हुए हैं सरकारी भी हैं प्राइवेट भी हैं बहुत इंस्टीट्यूट हैं मैंने एक मोनोल लिया है कि बच्चों को आ, एक्टिवेट करें जो दसवीं से बच्चे हैं अपना भविष्य बनाते हैं बारहवीं के बच्चे हैं उनके सरकारी हो या प्राइवेट हो उनको हम मोटिवेट करते हैं उनको फार्मिंग यहाँ पे फ्री में सिखाते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लेते बाकी जो है फार्मर्स आते हैं उनको रोकते हैं उनकी खाने की व्यवस्था होती है पूरे इंडिया से आते हैं और उसका हम चार्ज लेते हैं जो जायज़ होता है हमारे से सीखे हुए ये सज्जन हैं इन्होंने चार बैड से स्टार्टिंग किया था और आज ये तीस बैड पे हैं ये बताएंगे क्या परफॉर्मेंस है मैं पटोदी से हूँ जी नाम सोमेश चौहान मैं मास्टर जी से ट्रेनिंग लेके कर ये का, काम मैंने स्टार्ट किया था करीब छः सात महीने हुए हैं चार बैड स्टार्ट किया था और अब मेरे बैड तीस हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है मास्टर जी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है इनकी तरफ से और मास्टर जी के बताए अनुसार जैसे मैंने काम किया तो कैंचुए बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं एक तो दूसरा खाद की बिक्री में भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला मास्टर जी की तरफ से और कुल मिला के मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है आपने चार बेड से शुरू किया जी उसके बाद आज आपके पास तीस बेड हैं जो आप प्रोडक्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं खाद वो बेचने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही आपको परेशानी का सब ऐसा है कि स्टार्टिंग में शुरू में ऐसा लगा कि यार दिक्कत आएगी लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम मार्केटिंग के लिए निकला ना तो फर्स्ट विजिट में मेरे को इतना वो अच्छा रिजल्ट मिला कि आज मेरे पास एडवांस ऑर्डर हैं जो मैं पूरे भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरे पास बेड कम है उसी हिसाब से तो बिक तो जाता है ऐसा नहीं है कि बिकता नहीं है लेकिन निकलना पड़ता है अभी जो बताया गया था कि जो हमारे यूनिट लगवाई थी उसके पश्चात दूसरा जो हमारे पड़ोस गांव के सरपंच हैं विजय जी जो पत्रकार भी हैं वो यूज कर रहे हैं अब वो बताएंगे वो उसका रिजल्ट क्या है मेरा नाम विजय है और नांगलमंदी गाँव का रहने वाला हूँ पूर्व सरपंच रहा हूँ पहले और अभी मीडिया में सेवा दे रहा हूँ दैनिक भास्कर में और मैं भी गुरुजी से ये कैचवा खाद लेके ले गया था और मैंने अभी चार बैग इस्तेमाल किए हैं गेहूं के खेत में करीब एक एकड़ जमीन मैंने अभी स्पेशल की है और वो एक एकड़ का मेन उद्देश्य भी यही है कि ऑर्गेनिक खेती हमने करनी है तो उसमें कोई डी यूरिया वगैरह मैंने अभी डाले नहीं है और दो पानी मैंने अभी खेत में लगाए हैं तो दो बार में मैंने चार बैग इस्तेमाल किए कैचवे खाद के तो गेहूं मेरे शुरू में कुछ हल्के पीले थे खाद डालने का असर ये हुआ कि गेहूं का कलर भी ठीक हो गया और वो हल्का पीलापन भी खत्म होता जा रहा है आगे ये प्रक्रिया है मैं इससे संतुष्ट भी हूँ मास्टर जी अभी आपको अपना ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट किए मात्र सत्रह महीने हुए हैं।, हैं और आपने 40 से साढ़े आठ बेड तक ये पहुंचा दिया तो आप ये बताइए आपका टर्नओवर क्या है मेरा टर्न ओवर दो तरीके से है जैसे स्कूल में एडमिशन फीस होती है और उसके साथ ही होती है ट्यूशन फीस जी इसी प्रकार से एक कम्पोस्ट खाद के अंदर भी दो तरीके से इनकम होती है जी एक तो कैसो बेच के सेल करके दूसरा होता है कि कम्पोस्ट बेच के तो दोनों का मैंने ऑल इंडिया में कम से कम सौ यूनिट लगवा दी अभी कालिया के नांगल जो नानोड़ उसमें पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर लगवाई है एक, एक बेड की यूनिट सबसे बड़ी लगवाई है मैंने अभी और तो मेरा टर्न भगवान कृपा से साठ से सत्तर लाख रुपये एक साल का पहुंच गया है करोना काल में मैंने ये बिजनेस किया था मैंने मेरे बेटे ने खुद लग के एज ए मजदूर कस्टमर हमने काम किया था और जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग बाग ये करने लगे तो मास्टर जी गए स्कूल अच्छा चल रहा है और ये गोबर के काम में आगे फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं थोड़ी आज मैं बुलंदियों पर हूँ दर्शकों मास्टर जी ने अपना स्कूल होने के बावजूद कोरोना काल में अपना ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट की और ये स्कूल के बच्चों को और सरकारी स्कूल के बच्चों को या जो किसान भाई सीखने के इच्छुक हैं उनको ये फ्री में यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पर ये इतने सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और एक अच्छा स्वभाव कमा रहे हैं तो ये थे हमारे साथ में मास्टर जी जिन्होंने आपको अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान